नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वायर और आपके साथ मैं हूं महक। खबर शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ले और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ की एक अदालत ने 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है और साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल साल 2012 में तब रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में हुआ करती थी। तब इन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया था। दरअसल अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया था कि 17 फरवरी 2012 की शाम करीब 6:30 बजे रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कृष्णा नगर के बजरंग नगर क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि जोशी ने प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया था। उन्होंने इस चुनाव में लखनऊ कैंट असेंबली सीट से जीत दर्ज की थी। तो वहीं फिर जब अधिकारियों को आचार संहिता उल्लंघन का पता लगा तो वो मौके पर गए, जहां उन्होंने देखा कि रीता बहुगुणा जोशी बजरंग नगर में लगभग 50 लोगों की भीड़ के साथ बैठक कर रही थी, जिसके बाद अधिकारियों ने इस पूरी घटना को कैमरा में कैद कर लिया। फिर इसके बाद इनके खिलाफ कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फिर पुलिस की जांच के बाद इसी साल 12 दिसंबर को जोशी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। 20 फरवरी 2021 को कोर्ट ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आरोप तय किए, जिसके बाद कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी को सजा सुनाने के बाद हिरासत में ले लिया था। लेकिन फिर बाद में इन्हें 20,000 रुपए के बॉन्ड और जमानत राशि जमा करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था। रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी है। वो साल 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रही है। रीता बहुगुणा जोशी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी है। रीता बहुगुणा जोशी 20 अक्टूबर 2016 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी और साल 2019 के चुनाव में वो प्रयागराज से सांसद बनी थी। लेकिन अब 12 साल बाद इलाहाबाद से बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने ये सजा सुनाई है। चलिए दोस्तों, इस खबर में इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को भी लाइक जरूर करके जाइएगा।